बीजेपी और कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुद्दों की लड़ाई। कांग्रेस ने हाथरस रेप कांड के मुद्दे को लेकर 3 दिनों से मोर्चा खोला हुआ है। आलाकमान का आदेश है, इसलिए कांग्रेस मुद्दे को गरमाने की पूरी कोशिश में जुटी है। राज्य स्तरीय प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च किया, ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के राज में दलित और महिलाएं कैसे प्रताड़ित हैं। मरकाम जी, इस लड़ाई को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के लोग पहले निंदा प्रस्ताव करें योगी सरकार और मोदी सरकार के विरुद्ध, क्योंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं घटी तो तत्काल गिरफ्तारियां दी और जेल के सलाखों के पीछे दोषी व्यक्ति है, मगर उसकी निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस सत्ता में है और उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति ज्यादा है। वो हाथरस के मुद्दे पर मुखर है, मगर अपने ही राज्य के बलरामपुर और जशपुर में हुई घटनाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं। बीजेपी ऐसे ही आरोप लगाती है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहना चाहती हूँ, एक सांसद होने के नाते, आज उत्तर प्रदेश के एक बेटी के साथ घटना हुआ है, जा रहे हैं वहाँ तो यहाँ भी वो लोग आए और उनके सरकार का करतूत को यहाँ देखें, उनका खर्चा लगेगा, हम करेंगे खर्चा, लेकिन आए और देखें जनजाति समाज के बेटी के साथ क्या हो रहा है। इधर बीजेपी भी मुद्दों को लेकर सड़क पर है। कृषि बिल को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं तो बीजेपी ने राज्य के किसानों की दुर्दशा को आधार बनाकर बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। बीजेपी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और मांग की कि किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी 1 नवम्बर से शुरू की जाए, खुदकुशी करने वाले किसानों को मुआवजा और 2 साल का बकाया बोनस दिया जाए। और यहाँ के किसान इस सरकार के द्वारा छले गए हैं, ठगे गए हैं। जो यहाँ की सरकार किसानों से वादा की थी कि 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, पिछले साल का कीमत आज तक दे नहीं पाई है। कर्जा माफी करेंगे, कर्जा माफी भी किसानों के पूर्णतः नहीं हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना पर हैं। ये सरकार में आने के बाद में किसानों का आज तक 2500 रुपए खाता में नहीं आया है। फसल कटाई 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। दिसंबर की जो स्थिति है उस समय किसानों की बहुत मुश्किल होगा, स्थिति खराब होगी फसलों की। फसल कटाई शुरू हो और 1.5 महीना रखवाली करना पड़ेगा, इसलिए 1 नवंबर से धान की खरीदी की जानी चाहिए। अब बीजेपी केंद्र के कृषि बिल पर बात नहीं करना चाहती, उससे किसानों को फायदा है या नुकसान ये बताने की कोशिश नहीं हो रही। इस मसले पर भी कांग्रेस मुखर है और तय कर चुकी है कि केंद्रीय कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये दोनों ही दलों के बीच मुद्दों की होड़ है। होड़ की इस सियासत में जनता का फायदा कितना हो रहा है, सवाल ये है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र जायसवाल। मुद्दों की मारामारी प्रदेश में मची हुई है, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी लड़ाई है। कांग्रेस यदि रेप के मामले को लेकर के सड़क पर है, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर के सड़क में है। छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा हमेशा हावी रहा है, किसान और किसान को लेकर के प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्म रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रदेश में 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने के बाद ये निर्णय लिया है कि किसानों का पूरा धान यानी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी राज्य सरकार करे। इस मुद्दे की मांग को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पर रही, तो वहीं कांग्रेस ने हाथरस के मुद्दे को मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, उसी तरीके से पिछले 3 दिनों से कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के लोग राजभवन तक मार्च करके पहुंचे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी है। आप दोनों का बंसल न्यूज में स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार की लगातार घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। केसकाल की घटना को ले लें, बलरामपुर की घटना ले लें, जसपुर की घटना को ले लें, कांग्रेस ने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। आज जब भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क में उतरने वाली थी, उसी दिन आप लोगों ने हाथरस के मुद्दे को लेकर सड़क में उतरने का फैसला किया। क्या प्रदेश का बलात्कार बलात्कार नहीं है, हाथरस का बलात्कार ही बलात्कार है? ये जो आपके मंत्री कहते हैं कि यहाँ की घटना छोटी है, वहाँ की घटना बड़ी है, इस तरह की तुलना, उसके बाद फिर आप सड़क पर क्या कहेंगे?
देखिए धनेन्द्र भैया, अपराध अपराध होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में। अपराध को बचाने की जो प्रवृत्ति है, आपने कभी भी कभी किसी बलात्कार को छोटा बड़ा नहीं बताया। बलात्कार के बाद जो प्रयास हुए हैं, बलरामपुर में हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, अपराधी पकड़े गए। कोंडा गांव में हुआ, पीड़िता ने शिकायत की, 12 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए। जसपुर में अपराधी पकड़े गए। सरकार सख्त है। अपराध कहीं भी हो, उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो अपराधी है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी बात थी, हाथरस में इसके ठीक उल्टा हुआ। 18-18 दिन तक पीड़िता बच्ची को बात को दबाए रखा गया, 3-3, 4-4 उसके बयान को भी इग्नोर करके वो जब खत्म हो गई बेचारी बच्ची, तो उसको आधी रात के जला दिया गया। और अब यूपी सरकार कभी बोलती 25 लाख के दे के संतुष्ट हो जाओ, कभी बोलती कि तुमको नौकरी मिल रहा है, कोरोना से मर जाते तो क्या तुमको ये सब मिलता? क्या वहां का डीएम धमकी दे रहा है, वहां का एसपी धमकी दे रहा है, डीजी खड़े होकर बयान से मुकर रहा है? ये महत्वपूर्ण घटना है। इन सब घटनाओं के वहां के सरकार का प्रश्रय है, क्योंकि वहां के अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नए तथ्य सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि रही बात का आरोपी लड़के हमारे हमारे कार्यक्रम की घटना नहीं हुई है, केवल हत्या का मामला है। तो नए तथ्य जो सामने आ रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऑडियो टेप्स भी आ रहे हैं, उसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद भी जो आंदोलन है वो देश भर में चलाया जा रहा है। गोमती साहब तो कह रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में भी आकर के यहाँ की बेटियों की दुर्दशा को देखना चाहिए। कौन? मैं? चंद से? जी जी, आप जी। देखिए, निश्चित तौर पर गोमती साहब जी के पास कुछ काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानसिक विकलांगता के दौर में पहुंच गई है, एक चुनाव के आहारी है ये, किम कर्तव्य मूढ़ हो गए, इनकी अकल में पर्दे पड़ चुके हैं। इनको राहुल जी को सोनिया जी को बुलाने के बजाय ज्यादा बेहतर होता कि खुद ही जाके जांच कर लेती, और कहीं कुछ कमोबेश होती तो आदरणीय भूपेश बघेल जी से आग्रह कर लेती। भूपेश बघेल जी सौदार हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के कार्य करते हैं, और कहीं जाना ही है तो कहां गई वो नचनिया जी हैं, वायु श्रेणी का सिक्योरिटी मिला है, कहां गए वो बजरंग दल, कहां गए वो करनी सेना, कहां गए इस टाइप की नौटंकी बात जो बेटियों बचाओ बेटी सुरक्षा करने की बात क्या करते थे, कहां करते थे कि हम भी चौकीदार है, कहां मर गए सारे चौकीदार? बहुत सारी बातें हैं, ये विभत्स घटना है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके बचाव करने के बजाय उस मामले में बेटी का साथ देना चाहिए, जैसे निर्भया कांड में कांग्रेस ने किया था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी घटित अपराध निंदनीय होता है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया संरक्षण वो सामने जग जाहिर हो रहा है। दोनों घटना की जब आप तुलना करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं दाल काली, बल्कि पूरी काली ही दाल है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें सम्मिलित है, और ये लोग हैं जो हमेशा बेटी के हत्यारे रहे। आज पूरे देश में कांग्रेस ने यह तय किया था कि पूरे देश में 7 तारीख को हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस सड़क पर रहेगी। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम धान के मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। मरवाही चुनाव सामने है, तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। ये जो आंदोलन है किसानों के नाम पर, क्या ये मरवाही चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया? देखिए धर्मेंद्र जी, आपने जो सवाल किया बिल्कुल नहीं इस तरह की। संजय, कोरोना संक्रमण के समय आपने इन बातों को देखा कि हमने सभी प्रकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, हमने अपने कार्यक्रमों को स्थगित रखा। और कांग्रेस का क्या क्रियाकलाप रहा, सरकार में रहते हुए कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्या हाहाकार उन्होंने मचाया, तो मुझे लगता है कि इसमें जनता ने इसको बहुत करीब से देखा। लेकिन अभी जो विषय था कि केंद्रीय जो विधेयक थे जो बिल में परिवर्तित हुए, जो किसानों के हित में थे, लेकिन किसानों को, लेकिन जब कांग्रेस को लगी कि उनकी जमीन खिसकने वाली है, तो उन्होंने उनको बरगला कर अजीब टाइप का धरना देने का प्रदर्शन और तमाम प्रकार के आंदोलन करने का, जिसको सफलता नहीं मिली और आज वो लगभग समाप्त हो गया है। अब इस बीच हाथरस की घटना हुई, और हाथरस के साथ साथ बलरामपुर की बात करें, बगीचा यहां तो रोज का है। आज पेपर उठा के देख ले मेरे भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी कि प्रतिदिन 3 लड़कियों से बलात्कार हो रहा है, ऐसा बलरामपुर की रिपोर्ट आई है, वो पढ़ ले, मेरे को नहीं कहना ज्यादा। और भानु चंद्राकर क्या कर रहे हैं रेत में, किसकी पिटाई हो रही है, अमृत तिर्की कौन है, ये जवाब वो स्वयं ढूंढ ले और स्वयं संतुष्ट हो जाए, हमें मतलब नहीं है। क्योंकि 2 साल की सरकार के अंदर में हमने देखा है, ये काम करें या ना करें, प्रमाण पत्र इनको कोई देगा तो ये स्वयं देंगे। इनको ना जनता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना विपक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, न किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इनको स्वलिखित और स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लेकर ये बैठे, इसलिए किसी बात को मानेंगे नहीं। आपने कहा कि किसान आंदोलन, देखिए अभी समय है, अभी छत्तीसगढ़ में किसानों को 25 रुपए मिल रहा है धान का, उसके बाद भी ये आंदोलन किसानों को लेकर के आंदोलन भारतीय
हरमेन जी मैं आ रहा हूं, विषय तो यही था लेकिन वो बलात्कार और हाथरस और इस पे चला गया। देखिए क्या है कि अभी किसानों के फसल कटने हैं, आपने स्वयं कहा कि एक हफ्ते के बाद फसल कटनी है, धान की खरीदी होनी है, पैसे लोगों को कैसे मिलेंगे, पुराने पैसे कब मिलेंगे, यदि 40 लाख मीट्रिक धान मीट्रिक यदि चावल केंद्र सरकार खरीदती थी तो ये हाथ फैलाकर खड़े हो जाते थे तमाम प्रकार के आंदोलन और मोदी जी को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन 60 लाख मीट्रिक धान 9000 करोड़ लेने के बाद एक धन्यवाद पत्र इस सरकार का मोदी जी को नहीं जाता है, हमको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना ये स्वयं सर्टिफिकेट लेंगे। देखिए आज ऐसी बात है कि सबसे पहली बात 2500 रुपए क्विंटल दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, आपके घोषणा पत्र था आपने उसको अपनी जीत का आधार बनाया, हम आपको बधाई देते हैं कि 2500 रुपए के नाम पर आपकी सरकार बन गई। लेकिन 2018 दिसंबर दूसरी धान की खरीदी, पहला 2500 रुपए का पूरा खाता पूरा पैसा आज तक किसान के खाते में नहीं आया, ये सर्वथा सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता, दो किश्त आज तक बची है। 1 नवंबर हमारी मांग है, ये 1 दिसंबर से 1 महीने का गैप क्यों हुआ मालूम नहीं, कोई कारण नहीं कि क्यों, इसलिए कि 1 महीने का समय और चाहिए। हमारी मांग आज के धरने में ये भी थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए और वो फसल वहां जाएगी, उसके पैसे कब मिलेंगे, उसके अंतर की राशि कब मिलेगी, ये भगवान जाने। तो मुझे लगता है इनका ये प्लान है कि 2 साल की खरीदी और 5 साल में भुगतान, ये कांग्रेस की रीति। चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जवाब लेते हैं, किसान नेता रहे हैं, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और किसानों की लड़ाई। जी जी जी। दूसरा धर्मेंद्र जी, फिर आपके पास हमारे बोल लीजिए, जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर शुक्ला से, बोल लीजिए। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ने बहुत तमाम प्रकार की बातें की, चौकीदार कि चौकीदार मर गया फलाना ढिकाना, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को आज्ञा है संजय भैया, एक मिनट सर हाथरस की बात है, हाथरस का खुलासा आज्ञा है ना, आज्ञा है बोल लो, एक मिनट चंद्रशेखर जी, हाथरस का मुद्दा तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, सीबीआई को, जिस पर आपको विश्वास नहीं है, जिस एनआईए पर आपको विश्वास नहीं है, और वो पूरे हाथरस की घटना किस तरफ टर्न हो रही है उसमें बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, इसका भी खुलासा होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन वाह रे बलरामपुर की घटना और मंत्री जी का ये बयान आना कि ये छोटी घटना है, ये नया पैमाना कांग्रेस ने कोई पैदा किया होगा, ये नई परिभाषा बलात्कार की कोई कांग्रेस के नेताओं ने की होगी, लेकिन उसका कोई स्थान एक सभ्य समाज के अंदर में नहीं है। ये माफी मांगना था मंत्री को, उस पर एक्शन होने की बात थी और लगातार घटनाएं हो रही है, लगातार आपके 2500 घटनाएं हो गई हैं जो रिकॉर्ड में एनसीआरबी की, मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए उस पर कम से कम अमल करने की कोशिश करें। जवाब ले लेते हैं जी, जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर जी। देखिए संजय भैया, बहुत सारी बातें एक लाइन में आपने कह दी, किसान से चालू किया हाथरस तक आ गया। आपने कहा कि जसपुर में बलरामपुर में प्रतिदिन 3 बच्चों के साथ बलात्कार होता है, आपके शासन काल में 40,000 बच्चियां गायब हो गई। आपने कहा सीबीआई और एनआईए पे भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं, एनआईए चोर है, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, झीरम घाटी के हत्यारों को एनआईए बचा रही है। रही बात आपने नार्को की बात कही, नार्को में आपको भरोसा है तो इंदिरा गांधी के बैंक के नार्को में आ जाइए, मैं किसान में भी आऊंगा धनंजय भैया, नार्को में भरोसा है, केंद्रीय जांच समिति, नार्को में भरोसा है तो इंदिरा गांधी बैंक का नार्को टेस्ट सही था क्या, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। रही बात आपने 2500 अभी तक नहीं देने की बात कही, 2013 का धान का बोनस आपने नहीं दिया है, हमारे घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया है, 2100 रुपए समर्थन मूल्य आपने आज तक नहीं दे पाए, शर्म आपको आती नहीं है, 10 क्विंटल धान खरीदने की बात आप करते हैं और आप हमारी सरकार बन गई है तो रातों रात 20 क्विंटल में आ जाते हैं, मोदी जी 60 लाख मेट्रिक टन धान चावल खरीद के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा राजस्व पटाने वाला, कोयला देने वाला, जीएसटी देने वाले प्रमुख राज्यों में एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहां का कोयला का उत्खनन, बिजली का उत्खनन आप कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा यदि हक दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम भी इसी भारत देश के नागरिक हैं। और हमने कहा था एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दे, वो भी नहीं दी आपने, आपने 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 हमारा यदि आप 10 क्विंटल खरीदने की बात करते हम 15 क्विंटल खरीदे तो आप कौन कौन से प्रकार की आपत्ति नहीं लगाए कि किसानों को बोनस ना मिले। और आपने मंडी बंद करने की कोशिश की है, सहकारी समितियों को बंद करने की कोशिश की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करने की कोशिश की है और अब आप बोलते हैं कि कृषि बिल सही है। आपने जीवन में कभी धान बोया नहीं है, कृषि बोल के बारे में आप मुझे समझाने निकले हैं, आप मुझे बताइए कि कैसे काम चलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों का 20 क्विंटल धान लेने में दिक्कत क्या है, परेशानी कहां रही है के पास, आप तो लगातार ये करते रहे हैं, हम खरीदेंगे, आप इनके टाइप नहीं है, हम इनके टाइप नहीं, जो दाना दाना खरीदने की बात करके मुकर गए थे,
हम उसी व्यवस्था में चल रहे हैं जो व्यवस्था आपके द्वारा बनाई हुई गई है। नहीं, हम उस पर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन सरकार को थोड़ा स्टेबिलिटी तो आने दीजिए। आप तो ऐसा कोई पर्याप्त नहीं छोड़ रहे हैं, चावल ले रही है और छत्तीसगढ़ में उत्पादकता ज्यादा है। आप तो मानते हैं ना कि 22 क्विंटल प्रति एकड़ थोड़ा आर्थिक स्थिरता तो आने दीजिए, थोड़ी आर्थिक स्थिरता तो आ जाने दीजिए आदरणीय। 22 क्विंटल यदि प्रति एकड़ उत्पादकता छत्तीसगढ़ के में है, 25 भी होती है, मैं कह रहा हूँ सरकार को थोड़ा आर्थिक स्थिरता तो आ जाने दीजिए। ये खुद 10 क्विंटल खरीदने के बाद क्या करते थे, हमसे 20 का उम्मीद कर रहे हैं। घोषणा पत्र हमारा पूरा पढ़ लिए, अपना घोषणा पत्र उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। कहाँ गई जर्सी गाय, कहाँ गया 2100 समर्थन मूल्य, कहाँ गया 270 रुपए आपका बोनस। आप हमारे बोनस 2 साल की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता मुझे। शर्म भी नहीं आती मांगने में, 2013 का पैसा नहीं मिला है आज तक। देखिए 2013 का पैसा आज तक नहीं मिला, वो पैसा तो देने का आपने वादा किया, आपने घोषणा पत्र देंगे ना निश्चित तौर पर, लेकिन हमारे जीएसटी के पैसा, हमारे रेंटिंग का पैसा, हमारे कोयला का पैसा, हमारे बिजली का पैसा देना चालू करेंगे, वो हम देंगे। हमको इन्होंने बीमार बनाया, भारतीय जनता पार्टी आपसे कर रही है कि जो आपने अपने बोनस नहीं दिया था वो आप देने की बात करके सत्ता में आकर सब देंगे, दे दीजिए, दाना दाना भी खरीदेंगे, लेकिन थोड़े आर्थिक स्थिरता आने दीजिए। संजय जी हमारे साथ हैं, संजय जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिरता आने दीजिए, आपने जो वादे किए थे वो हम पूरा करेंगे, हम दाना दाना धान खरीदेंगे। जी मैं सीधे तौर पर आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, मैं इधर उधर मुद्दे की बात नहीं करूंगा, मैं तो 2-3 विषय 15 साल रहना है, निश्चिंत रहे। शुक्ला जी ने बताया, एक मिनट शुक्ला जी ने जो बताया जी 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 कि आप क्या बताएंगे, आप धान नहीं खरीदते मेरे से ज्यादा, यही दम तो कांग्रेस के नेताओं में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि किसान नहीं, ये स्वयं आगे बढ़कर कृषि विधेयक विरोध कर रहे हैं। किसान पीछे नहीं है, केवल कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारी जो है, इनकी दुकानदारी किसानों के बीच में समाप्त हो जाएगी। दूसरा विषय, ये क्या देंगे 20 क्विंटल, ये क्या खरीदेंगे, ये जब अंतर की राशि में 275 रुपए का हेर फेर कर दिए, जब 15 क्विंटल इंटू 685 बराबर 10,275, आखिर मेरे को जवाब दे कि 10,000 क्यों, 275 रुपए क्यों नहीं, 10,000 रुपए क्यों, क्यों मुकर रहे हैं आप। तमाम प्रकार की बातें करना, लोगों को बरगलाना, घोषणा पत्र में कर रहा हूं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अब आर्थिक स्थिति, हम 15 साल में कैसे सरकार चलाए, आप तो कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जो हमने 15 साल में लिया पेपर पढ़ लीजिए, उतना आपने भी ले लिया, 81,000 करोड़, 41 हमारा 15 साल का, आपका 2 साल नहीं हुए 40,000 का कर्जा ले लिए, क्या बात करेंगे। सरकार चरण आ नहीं रहा है और बाकी काम तो बंद, न सड़क, पानी, बिजली, लान फान, सब प्रकार के बंद, कोई काम नहीं हो पा रहा है, केवल लफाजी, रेत का ठेका, शराब का ठेका, अवैध, ये तमाम प्रकार की उपलब्धि कांग्रेस की रही है। इसलिए मुद्दे की बात करें, केवल मोदी जी का हम कैसे विरोध करें, ये सरकार सड़क पर ज्यादा दिखाई दे रही है, काम करने के लिए जनता ने भेजा है, 2.5 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता ने इनको काम करने के लिए भेजा है, ये सड़क पर आकर नाटक नौटंकी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लिख के दीजिए, चलिए किसानों को, आप किसानों की हिमायती बन रहे विधेयक बिल पर, आप इनको शपथ पत्र दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कानून लागू नहीं होगा। ये इनको भी मालूम है, ये इनको भी मालूम है कि इनके विधानसभा में पारित जो कानून बनना है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बरगलाओ, घुमाओ किसानों को, और उनके पीछे हिमायती बनो कि हम आपके साथ में खड़े हैं, शपथ पत्र दें किसानों को एक एक घर जाकर कि हमारा कानून लागू होगा, केंद्र का नहीं होगा। केवल बरगलाना जो 60-70 वर्षों में उन्होंने किया देश में, वही काम छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है कि लोगों को बरगलाओ, काम मत करो, अवैध काम करो। जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तौर पर संजय भैया, निश्चित तौर पर मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आपका कानून यहाँ लागू नहीं होगा, हमारे भी विधानसभा का उतना ही महत्व जितने लोकसभा का है, हमारे भी जनप्रतिनिधि है, और आप किसानों को लगभग MSP बंद कर देना चाहते हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बर्बाद हो जाए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ठेकेदार आ जाए, आप चाहते हैं कि यहाँ अदारिया मान जी, खुल के बोलिए संजय भैया कि आप लोग उसके दलाल हो चुके हैं, आप बताइए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्रू यहाँ के किसानों को बेच खाना चाहते हैं, और कर्ज की बात करते हैं, 40,000 करोड़ का भी बारूद आज हमने दिया था चलाने के लिए, हम कैसी तकलीफ हम जानते हैं, स्वयं आपके कमल बिहार RDA में 700-800 करोड़ का कर्जा हो गया था, जिसका कोई नहीं है, बर्बाद कर दिया, और अब आप चिड़चिड़ा रहे हैं, बौखला रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, अमृत तिर्की कांग्रेस का नेता है जिसने बलात्कार किया है, जाने का बौखलाहट है आपका। फिर बात करिए, नागू चंद्राकर मारता है जनपद जिला पंचायत सदस्यों को, सरकार संज्ञान में नहीं लेती है,
आपका वो विधायक सिंगर लाइन लगा दो, आपके गिनवाना चालू कर दिया, तुम कहीं भी नहीं रहेंगे। राघव जी के आखिर कब उनके पसीने का असली कीमत मिल पाएगा? छत्तीसगढ़ के किसान जो लगातार उम्मीद बांधे बैठे हैं राज्य सरकार से, उनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी? जो लगातार यहाँ के किसान उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कब उनकी उम्मीदें पूरी होगी। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने तो आप आज मांग रखी है, लेकिन आप लोगों ने जो वादे कर रखे हैं, ये वही वादे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी याद दिला रही है। तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? आपके पास पर्याप्त धनराशि है, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है, तो यदि किसानों का ज्यादा धान खरीदेंगे, किसानों को पूरा धनराशि देंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और किसानों को आप समृद्ध बना पाएंगे, सबल बना पाएंगे, उससे शहरी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। फिर इसमें देरी क्यों? देरी नहीं है धनंजय भैया, ऐसा इन्होंने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। जब भी हम किसान को देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठने लगता है। पिछली बार भी जब हमने बोनस की बात कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रण प्रकरण हर प्रकार के विडंग अड़ंगा लगाने की कोशिश की कि कैसे भी उनको 2500 ना देने मिले, हर प्रकार की आपत्ति लगाते। अभी भी हम जब देने जा रहे हैं तो इनको फिर आपत्ति। मैं आपको बता दूं, धान कटने के पहले आपको चारों खेत की पैसा मिल जाएगा, मैं आज आपको बता दे रहा हूं। और आपको यह भी बता दे रहा हूं कि जिस दिन हमारी स्थिति अच्छी होगी, उस दिन सबसे पहले, क्योंकि हम ग्रामीण किसान परिवार से हैं, हमारे किसान आज आपकी तरह नहीं। क्यों एक महीने की देरी क्यों? यही सवाल तो संजय श्रीवास्तव उठा रहे हैं ना आपसे। व्यवस्था तो बन जाने दीजिए, हर चीज आप ही के हिसाब वो थोड़ा वही 1 नवंबर को धान खरीदी की मांग आप करते रहे। भारतीय जनता पार्टी क्यों लेट करती थी? वो अभी तो करिए 1 दिसंबर से, कभी 15 नवंबर से, कभी कई बार करी, सिर्फ चुनावी साल को छोड़ दिया जाए तो। सरकार ने कर देना। हम तो 1 नवंबर से धान खरीदते थे, खरीद दीजिए, स्थापना दिवस से बढ़िया है, कहीं दिक्कत की बात नहीं, कर दीजिए। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। पिछली बार भी दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए। आपने 1 नवंबर से एक आधी बार खरीदा है, दंड नहीं। आपने 1 नवंबर से सिर्फ 15 साल में सिर्फ एक आधी बार खरीदा है, अनेक बार आप 1 दिसंबर भी गया है, और कई कई बार तो 15 दिसंबर भी गया है। किसानों के खाते से ज्यादा खरीदा जा रहा है, सरकार के खाते से नहीं। यदि मोदी जी की सरकार खरीद रही है, अर्थात किसान के खेत से वो धान खरीदा जा रहा है, चावल लिया जा रहा है, आपको 20 क्विंटल लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 15 क्विंटल का भी पूरा पैसा ये सरकार नहीं दे रही है। और बोनस देखिए, हमने नहीं दिया, ये सबको मालूम है, लेकिन आपने तो कहा ना बड़प्पन करके, बड़बोलापन दिखा के कि हम देंगे, तो दीजिए दीजिए, हम वही तो मांग कर रहे हैं कि हमसे नहीं वो आप दे दीजिए। लेकिन नहीं, 2 साल के अंदर। आज वक्त इतना ही, आज भी तो बोल रहा हूँ, देखिए। आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी लड़ाई है, मरवाही का उपचुनाव सामने है, किसानों के मुद्दों के लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को सामने रखा है जो कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में है। कांग्रेस का कहना है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, वो हम करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में हम किसानों को समृद्ध बनाएंगे, किसानों को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, लिहाजा हम उन्हीं व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। हालांकि राज्य सरकार से जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का केंद्र ने जो वादा किया है, जो सहमति दी है, उससे राज्य को लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। राज्य सरकार पर जो ये अतिरिक्त भार पड़ता था 1,500 करोड़ रुपए का, वो अब कम होगा, और इससे राज्य के सरकार की वित्तीय स्थिति भी बेहतर होगी, और किसानों को और रियायतें देने में सरकार को मदद भी मिलेगी। आज के मुद्दा में बस इतना ही, नमस्कार।